इतना बड़ा दुष्कार्य करने का दुस्साहस आपने कैसे किया दिमाग राज? उत्तर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव, किंतु हमने ये कृत्य असहाय होकर किया। ये कार्य करने के लिए विवश किया गया था हमें। विवश किया गया था? किसने विवश किया आपको एक कार्य करने के लिए? देवी पौलमी। उन्होंने कहा कि यदि हमने उनका यह कार्य नहीं किया तो वो वर्षा यंत्र चलाकर संपूर्ण सृष्टि की दीमक की बाबियों को नष्ट कर देंगी। प्रजापति, हमने अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए ये कार्य किया। देवी पौलमी, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? देवी पौलमी, आपने बहुत बड़ा छल किया। आपने समस्त देवलोक की सीमाओं का उल्लंघन किया है। जीवन या मृत्यु देने का अधिकार केवल हमें, आपने उसमें हस्तक्षेप किया है और इसके लिए आपको उसका दंड मिलेगा। निर्जल मरुस्थल में अकेली भटकेंगी आप और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगी। हमें क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। हमारी बेटी, हमारी बेटी वापस आ गई। मेरी बच्ची, हमारी बच्ची वापस आ गई। हमारी बच्ची, हमारी बच्ची, देखिए ना, वापस आ गई। ये सच में संतोषी माँ का चमत्कार है कि हमारी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई। संतोषी माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धैर्य बेटा, देखा तुमने, भक्ति और आस्था का नतीजा। संतोषी ने अपनी भक्ति से पहले हमें ठीक किया और फिर तुम्हें, और अब इसने मौत को भी हरा दिया। भक्ति की शक्ति का इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बहू? तुम्हें क्या पता कि आराधना में कितनी शक्ति होती है? ये जीत विश्वास और आस्था की जीत है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। पुष्पा,
संतोषी का सामान वापस ले आओ और संतोषी बेटा तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना भिजवाते हैं। ये घर बहुत सुंदर है। देवी पौलमी ने अपने कर्मों से जो बोया है आज वो उसी का फल प्राप्त कर रही। सत्य कहा है देवी आपने, बुरे कर्मों का फल सर्वदा बुरा ही होता है, चाहे वो मनुष्य ने किया हो या देवताओं ने। कल तक समस्त जल जिसके अधीन था, जो स्वयं वर्षा यंत्र चलाकर जल पलावन करती थी, आज वो स्वयं जल की एक बूंद के लिए असहाय है। इसीलिए कहते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। बेटी हम सब तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, सब कुछ याद आ जाएगा। उस डॉक्टर को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। बेटा अभी जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ, अच्छी बात तो यह है कि संतोषी हमारे साथ सही सलामत है। सही सलामत, हमें तो ये भूत लग रही है। अरे हमारा विश्वास करो, हम अपनी चील जैसी आंखों से देख के आए। हाँ शेषनाथ बिल्कुल सही कह रहा है, पर संतोषी भूत नहीं थी। अरे जी 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 एकदम सही कह रहा है, चुड़ैल चुड़ैल बन गई हो। अरे बच्चा क्या हो गया है तुम लोगों को, हमारी संतोषी है, जिंदा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। शेषनाथ तुम हमें संतोषी के पास ले चलो बेटा, हमें उसे देखना है। ए अम्मा पागल हो गई हो क्या, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं हमें उल्टा लटका दिया तो। आलतू चल तू आई भला को ठाल, आलतू चल तू आई भला को ठाल तू। जनार्दन बेटा तुम ले चलो ना हमें वहां। खबरदार बढ़िया है, बाहर जाकर लड़की छेड़ेगा। संतोष आर यू ओके, मतलब तुम कैसी बातें कर रही हो। हम बातों के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? तो क्या करें, ये हमें तमीज सिखा रही, खुद घर की नौकरानी है और हमें तमीज सिखाएंगे। चाय मांगा तो मुंह बना रही, ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। देखो तुम वही करो जो तुषी ने कहा है, जाओ उसके लिए चाय बना के लाओ। बदतमीज। बेटी तुम जरा कमरे में चलो हमारे साथ, तुमसे जरूरी बात करनी है। हमारा भी मूड नहीं है, हम बाद में आएंगे। नहीं नहीं देखो अभी चलो। माते अकस्मात स्मरण करने का प्रयोजन बताएं। यमराज संतोषी के हाव भाव उसके स्वभाव के प्रतिकूल दिख रहे हैं। और ऐसा तब से हो रहा है जब से संतोषी के प्राण वापस आए। यमदेव क्षमा कीजिए किंतु आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। यही ज्ञात करने के लिए हमने आपका स्मरण किया है। माते आपका संदेह सही है, संतोषी के व्यवहार में परिवर्तन आया है क्योंकि उसमें उसके स्वयं की नहीं अपितु किसी और की आत्मा है। ये आप क्या कह रहे हैं यमदेव, संतोषी के शरीर में किसी और की आत्मा। बड़ा बॉस बनने का शौक है ना तुझे, आज फैसला होकर रहेगा। माते ये कन्या नृत्यांगना थी। बहुत मनमानी चल रही तेरी, अब नहीं करने देंगे मनमानी।